हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन 19 सॉल्व करते हैं और देखिए क्या कह रहा है इसमें। बैलेंस्ड डाइट शुड कंटेन 12% प्रोटीन। तो बैलेंस्ड डाइट क्या होता है? ऐसा डाइट होता है जिसमें कि सब कुछ मिल जाता है ना, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, हर चीज़ मिल जाता है ना। तो कह रहा है कि एक बैलेंस्ड डाइट में होना चाहिए 12% प्रोटीन, 25% फैट एंड 63% कार्बोहाइड्रेट। इतना मतलब होना चाहिए, इस क्वेश्चन बोला है। ओके, इफ अ चाइल्ड, यदि एक चाइल्ड की जरूरत है, नीड्स माने जरूरत है, कितना? 2600 कैलोरीज इन हिज फूड डेली, माने पर डे जो है 2600 कैलोरीज यदि एक चाइल्ड की जरूरत है तो फाइंड इन कैलोरीज। तो कैलोरीज में बताइए कि अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दीज इन हिज डेली फूड इनटेक। तो जो भी ये प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, इनका अमाउंट कितना हुआ ईच डे। ठीक है, तो क्या करना है? बस अलग अलग परसेंटेज में निकाल लेना है। तो क्या करना है सॉल्यूशन? तो हम पहले निकालते हैं परसेंटेज अमाउंट ऑफ प्रोटीन। अमाउंट ऑफ प्रोटीन कितना हो जाएगा? अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो होगा इन हिज, लिख सकते हैं कि इन हिज डेली फूड इनटेक, डेली फूड इनटेक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 2600 का ही तो निकालेंगे, कितना? 12%। 2600 का यदि हम 12% निकाल लें तो यही होगा प्रोटीन के अमाउंट कितना होगा, क्योंकि 2600 में, 2600 में 12% प्रोटीन ले रहा है वो लड़का। तो इसमें से निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके, 2600 × 12/100 हो जाएगा। ये 2 0 कट जाएंगे, 2 0 से 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 में, तो 26 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो कितना आएगा? 12 × 72 = 2 7 और 12 × 2 = 24, 24 × 7 = 31, तो 331, 312, 312 कैलोरीज जो है प्रोटीन होना चाहिए। ओके, अब जो है निकालते हैं अमाउंट अमाउंट ऑफ फैट। ठीक है, तो 2600 का कितना निकालेंगे? 25% निकाल लेंगे। ठीक है, 2 0 = 25% निकाल लीजिए। परसेंट निकालने का मतलब क्या कि 25 × 150 होता है 0, 15, 25 × 50, 50 और 15 कितना होगा? 60 × 65, 65, मतलब कि 650 कैलोरी, ये आ गया। अब जो रेस्ट है वो तो वही रहेगा, 63% कार्बोहाइड्रेट होगा, तो रेस्ट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इक्वल टू जितना है उसमें से घटा देंगे 2600 माइनस, क्या करेंगे? 3, प्रोटीन का 312 है प्लस 650 जो है फैट का है, जोड़ घटा देंगे इसमें से, तो आ जाएगा फाइनल 2600 माइनस, ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा, जोड़ना है सॉरी, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, मैंने कि 0 और 2 2 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, तो 962 घटा देंगे इसमें से, तो ये 0 में से 2 जाएगा 8, क्योंकि यहाँ पे हमने कैरी ओवर ले लिया है, 9 में से 6 लेंगे 3, और यहाँ बचा 25, 9 में से घटाएंगे 16, तो 1638 कैलोरी ये लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।